एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किचन के बारे में। यस, किचन घर का सबसे और सबका फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर बनता है खाना। जब से हम इंसान है इस धरती पर, तब से फूड है, और फूड है तो किचन है। अगर हम किचन के सामानों की बात करें तो किचन के आज के डेट में तो हम लोग स्टील का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं और तरह तरह की क्ले का यूज करते हैं। पर पहले जो बर्तन हुआ करते थे या जो चूल्हा वगैरह हुआ करता था वो मिट्टी का होता था, या फिर उस टाइम पे लोग ज्यादातर क्ले का यूज करते थे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं किचन के सामान के बारे में। यहाँ पर पहला है गैस स्टोव, यस, जिसे कि चूल्हा कहा जाता है। गांव वगैरह में तो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, पर अगर आज की बात करें, अब समय बदल गया है, तो आज के टाइम पे हम लोगों के सबके घर में आपको दिखाई देगा गैस स्टोव। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बर्नर है। बर्नर किने कहा जाता है? बर्नर कहा जाता है उस जगह को जहाँ से आग निकलती है और वो हेल्प करती है खाने को पकाने में। आप खाने को कच्चा तो खा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो रॉ होता है और उसे कच्चा खाना पॉसिबल नहीं है, आपको उसे पकाना पड़ेगा। तो पकाने के लिए यूज किया जाता है गैस स्टोव का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 बर्नर है ना, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 4 बर्नर हो। कभी कभार यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें गैस स्टोव की, तो ये गैस स्टोव अपने आप तो नहीं चलता होगा, है ना। गैस स्टोव में जो फायर आती है वो आती कहाँ से है? वो आती है विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर। यस, ये क्या होता है, जैसे कि गांव में जो चूल्हे होते हैं उसमें आग कैसे जलती है? लकड़ी से, है ना। अब जो गैस स्टोव है उसमें तो आप लकड़ी नहीं लगा सकते, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? सिलेंडर का। यस, जो ये सिलेंडर होता है इसके अंदर होती है LPG। वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, वो एक गैस होती है और वो हेल्प करती है गैस स्टोव में फायर को जगाने में। अब हमने यहाँ पे तो हमने बात की खाना बनता किसमें है, पर सिर्फ आप गैस स्टोव में रख के तो आप डायरेक्ट नहीं पका सकते, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, आपका हाथ जल सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो उसमें बर्तनों का यूज भी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है पैन, यस, जिसे की हिंदी में कहते हैं कढ़ाई। इसका यूज आपने अपने घर में बहुत ज्यादा देखा होगा। इसमें हम ज्यादातर सब्जियां पकाते हैं, कभी कभार इसमें दाल भी फ्राई की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये पैन होता है इसमें हमेशा 2 हैंडल्स होते हैं। जैसे हमने गैस स्टोव में सुना ना कि इसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, पर पैन में ऐसा नहीं होता है। पैन में ओनली 2 हैंडल्स होते हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द वो सब्जियां पकाई जाती है जो सब्जियां सॉफ्ट होती है बहुत, जो आराम से पक पाती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर कुकर। अब सारी सब्जियां तो सॉफ्ट नहीं होती है ना, कई सब्जियां बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जैसे कि कटहल हो गया, कद्दू हो गया। अब ये पक तो सकती है पैन में, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम है नहीं, तो ज्यादातर प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है खाने को जल्दी पकाने में। और हम इंडियंस के यहाँ पे प्रेशर कुकर में मोस्ट ऑफ द राइस बनाया जाता है या फिर दाल को भी बॉइल किया जाता है। अभी हमने बात की पैन एंड प्रेशर कुकर की। अब सिर्फ किचन में ये तो नहीं होते, क्योंकि कई बार हम लोगों को सूप बनाना होता है, चीजों को फ्राई करना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग पैन का। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, फ्राइंग मतलब इसमें चीजों को फ्राई किया जाता है, जैसे कि पकौड़े, कभी कभार इसमें सूप भी बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैन और फ्राइंग पैन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो पैन होता है उसमें 2 हैंडल्स होते हैं और जो फ्राइंग पैन होता है इसमें 1 हैंडल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पीलर। यस, पील, पील मतलब होता है छीलना, ठीक है। किसी चीज को जब छीलते हो ना तो उसे कहते हैं पील करना। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि हर चीज को, मोस्ट ऑफ द सब्जियों को या कभी कभार फ्रूट्स को पील करने में हेल्प करता है। कई चीजों की सब्जियां आपने अपने घर में ला गए, अब आप उसे डायरेक्ट नहीं पका सकते, ठीक है। जैसे भिंडी है तो आप उसे ऐसे ही काट के खा सकते हैं, पर जैसे पोटैटो है या फिर और सब्जियां, लौकी है, तोरी है, कई तरह की सब्जियां है,
आपसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उनको पहले छीनना पड़ता है, उनकी बाहर की स्किन को उतारना पड़ता है। उसके लिए यूज किया जाता है पीलर का। ये हार्ड स्किन को उतारने में हेल्प करता है, पर सॉफ्ट चीजों में, ओके? क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप उसे पील नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे उसे पील करने की तो पीलर तो टूट जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइफ। यस, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पीलर के बारे में कि वो चीजों को हेल्प करता है छीलने में, पील करने में। अब पीलर तो सिर्फ सॉफ्ट चीजों को पील करेगा, तो हार्ड चीजों के लिए हम नाइफ का यूज करते हैं। जैसे कि हार्ड जो सब्जियां होती है, जैसे कि कद्दू है, कटहल है, या फिर कई तरह की सब्जियां होती है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है और उसे आप खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उनकी स्किन को बाहर से निकालने के लिए नाइफ का यूज करते हैं, और सब्जियों को काटने के लिए भी नाइफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पून। खाना तो बन भी गया, पक भी गया, तैयार हो गया पूरा खाना, पर आप खाएंगे कैसे उसे, है ना? कई बार वैसे लोग हाथों से भी खाते हैं, पर खाने का सही तरीका होता है स्पून से खाना, ओके? स्पून में हम ज्यादातर तब उसका यूज करते हैं स्पून का, जब हमें कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज खानी हो। जैसे कि अगर चपाती है तो आप उसमें स्पून का यूज नहीं करेंगे, है ना? पर अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि दाल है, सूप है, या अगर आप राइस खा रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते ना, तो आप स्पून का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फोक। यस, स्पून और फोक ये थोड़ा थोड़ा मतलब सेम होते हैं, ओके? सेम कैसे होते हैं? इसका यूज भी चीजों को खाने के लिए किया जाता है। स्पून की हेल्प से हम लिक्विड फॉर्म वाली चीजों को खाते हैं, पर कई चीज ऐसी होती है जिसे आप स्पून से नहीं होल्ड कर सकते, जैसे कि फ्रूट का कोई पीस है, या वेजिटेबल का कोई पीस है, या आप सैलेड खा रहे हैं, है ना, या नूडल्स खा रहे हैं, तो आप उसमें कैरी नहीं कर सकते स्पून में, तो उसमें हम यूज करते हैं फोक का, और ज्यादातर इसका यूज किया जाता है नूडल्स को खाने के लिए। यहाँ पर है ग्लास। यस, ग्लास में हम ज्यादातर पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, मिल्क पीते हैं, है ना? अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बॉटल से पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। कभी भी डायरेक्ट आपको बॉटल से पानी नहीं पीना चाहिए, आपको हमेशा ग्लास में ही डाल के पीना चाहिए। ग्लास भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है कांच का, ओके? पर इसके अलावा स्टील का होता है, क्ले का होता है, और कम से कम हमें एक दिन में 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर जरूर कंज्यूम करना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट है बाउल। यस, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है कटोरी। अभी आपने खाना, जैसे हमने बताया आपको कि आप स्पून की हेल्प से खाते हैं, पर आप जो आपकी लिक्विड फॉर्म वाली चीज है उसे आप डायरेक्ट तो नहीं खा सकते, किसी चीज पे आपको रख के खाना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाउल का। इसमें हम ज्यादातर लिक्विड फॉर्म वाली चीजों को डालते हैं, जैसे कि दाल है, सूप है, या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली चीज। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेट। यस, खाना खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लेट। आप उसे डायरेक्ट हाथ पे रखकर नहीं खा सकते, है ना? क्योंकि खाना खाने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है प्लेट का। इस पे हम ज्यादातर चपाती रखते हैं, राइस रखते हैं, या फिर कोई भी खाने की चीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइफ रखा है और फोक रखा है ना? खाना खाने के बाद जब आपका खाना फिनिश हो जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा आपका जो स्पून है, आप किसी फोक से खा रहे हैं, आप नाइफ से खा रहे हैं, तो खाना फिनिश करने के बाद ये खाना खाने के मैनर्स होते हैं कि आप उन स्पून को आप प्लेट के ऊपर अच्छे से रख दें। देन यहाँ पे नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। यस, जिसे कि हम कॉमनली भाषा में फ्रिज भी कहते हैं। अभी आपने खाना बना दिया, आपने खा भी लिया, पर सारा तो नहीं खाया जाता, कभी कभार खाना बच जाता है, तो उस खाने को किस पे रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर पे। क्यों रखा जाता है? ताकि खाना बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहे, या फिर कभी कभार हम मार्केट से कोई चीज लाते बहुत ज्यादा लागे, या फिर कोई ऐसी चीज लागे जो बहुत जल्दी मेल्ट हो सकती है, जैसे कि आइसक्रीम, तो उसे हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो काफी टाइम तक अपने सॉलिड फॉर्म में रहे। और रेफ्रिजरेटर में हम लोग आइस क्यूब्स भी बनाते हैं,
ओके, और इसमें चीजों को ठंडा करने के लिए भी रखा जाता है। सो आज हमने पढ़ा किचन के सामानों के बारे में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।